हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरली रीजंस बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस सब्सिक्वेंट टू द चेंजेस इन गवर्नमेंट एंड फ्यूचर आउटलुक। अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सबको जो है वो एक्साइटमेंट होगी कि अकील साहब जो है हमें इनलाइटन कर सकेंगे करंटली जो इस वक्त इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं उस पर उनका क्या व्यू है और क्या फोर्सी कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो वर्ल्ड मेमन यूथ को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने जबरदस्त प्रोग्राम किया और इतनी जबरदस्त अटेंडेंस, यकीन नहीं आता कि ये कोई मेहमान का फंक्शन है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान हमेशा सियासत में है क्योंकि हमारे सियासतदान कोई चीज आवाम को सच नहीं बताते। इस वक्त मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से जो बातें की जा रही है, मेरा ये ख्याल है कि हाँ इकोनॉमिक कंडीशन बुरी थी लेकिन है नहीं, उसकी वजह बता दो। क्योंकि 2008 के बाद अगर आप हर साल कंपेयर करें तो पाकिस्तान कर्जे के बोझ तले नीचे आता जा रहा, पाकिस्तान का डेफिसिट बढ़ता गया, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। 2004-5 में अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तकरीबन अप्रोक्सीमेट एक ही लेवल की थी, कोई फर्क नहीं था। लेकिन 2019 के अगर रिजल्ट देते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ट्रेड डेफिसिट $37 बिलियन बढ़ गई। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि हमारे मुल्क में थ्रू आउट किसी ने कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिसी पिछले दौर में नहीं बनी थी अब वो पॉलिसी बनना शुरू हो गई है। इस वक्त सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, मैं ये समझता हूं कदरे बेहतर सिचुएशन है 2019 के रिजल्ट के बाद। लेकिन क्योंकि ये एक क्वार्टर का रिजल्ट है उसके लिए जरूरी नहीं है, 2-3 क्वार्टर और फर्दर देखने होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि लास्ट जो हमने क्लोज किया था ट्रेड डेफिसिट $37 बिलियन, करंट अकाउंट $20 बिलियन, फिस्कल डेफिसिट $20 बिलियन और ये ऐसे नंबर्स थे कि हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम इससे बचते। और हमें उस साल तकरीबन $10.5 बिलियन की रीपेमेंट करनी थी, हमारे रिजर्व $5 बिलियन थे। हमारे लोग आज भी ये बातें जरूर करते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्राइसिस में हैं, तो मैं समझता हूं आप लोगों को ये सुन के खुशी होनी चाहिए कि $10.5 बिलियन रीपेमेंट के बाद भी हमारे रिजर्व नीचे नहीं आए, ऊपर गए, हमारे नंबर सारे बेहतर हो रहे हैं। और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जाता है, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब हलफ लिया, ओथ लिया, ओथ के बाद उन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान की इतनी बुरी सिचुएशन है। जारी बात है, ग्राउंड में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है पिच ग्रासी है या स्लो है। तो खान साहब जब हुकूमत सियासत में थे वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारे वादे कर रहे थे, लेकिन जब हुकूमत में आए तो उनको पता चला कि जो बातें मैंने की हैं उसको करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा काम करना है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान सऊदी अरब के पास गया, सऊदी अरब ने हमें वेलकम किया, पहले भी लोग जाते थे, कभी किसी की उन्होंने मदद नहीं की, लेकिन पहली दफा सऊदी अरब ने $3 बिलियन और डिफर पेमेंट $3 बिलियन ऑयल, अप्रोक्सीमेट $6 बिलियन उन्होंने आपको दिया। तो मैं ये समझता हूं कि IMF से हमने $6 बिलियन जो लेने के लिए जो हमारे को कंडीशन मीट करनी पड़ी है, सऊदी अरब को $6 बिलियन लेने के लिए हमें एक भी कंडीशन नहीं मिली, उन्होंने हमें हमारी आउटराइट मदद।
उसी तरह अबू धाबी ने आपकी मदद की, उसी तरह कतर ने की, उसी तरह चाइना ने की। अगर ऑल टुगेदर अगर आप ये देखें तो सारे 14 बिलियन डॉलर 5 साल के रोल ओवर बेसिस पे हमें ये कर्जा मिला है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को संभालने में हमें मदद और उसका इंटरेस्ट रेट भी 2.5%। तो आप ये सोचें कि खुदा ना ख्वास्त, अल्लाह ना करे, अगर ये पैसे हमें नहीं देते तो क्या होगा। मैं यकीन से कहता हूं जिस प्लानिंग से हम चल रहे थे, हमारा मकसद था पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का और अल्लाह ताला ने हमें उस डिफॉल्ट से बचाया। आज कंडीशन मैं ये मानने को तैयार हूं, महंगाई भी है, जरूरी भी है, लोगों को बेरोजगारी भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अब आपके नंबर चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया में आप अपनी बात मनवा रहे हैं, तो कम से कम थोड़ी बहुत खुददारी तो हमने देखी, ये पहले कभी भी नहीं थी। तो हमें जारी बातें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हम लोगों की जो बातें फैला रहे हैं उसमें ना आए। और मैं यकीन से कहता हूं पाकिस्तान का हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से बेहतर दिन होगा अगर हम इसी पॉलिसी को। तो अभी इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस, तो मैं कहता हूं कि आप जो भी सवाल करें क्राइसिस का वर्ड यूज ना करें। पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुछ अचीव किया। लोग कभी हमें बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, बांग्लादेश से कंपेयर आप जब करना जब आप बांग्लादेश भी न्यूक्लियर पावर बने, बांग्लादेश भी बोलना सीखे। इस वक्त पाकिस्तान जिस दिलेरी से अपने आप को डिफेंड कर रहा है, आज ये देखें कि पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं, दुनिया में बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने बेहतर समझा कि पाकिस्तान में ये एबिलिटी है कि सऊदी अरब ईरान की दोस्ती करा सकता है। और आप ये सोचें कि ये दोस्ती कराने से मुल्क को कितना बड़ा फायदा होगा। ये लोगों को मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त जो जो डिसीजन ले रहा है, मैं आपको बता दूं, नंबर वन हमने अपनी करेंसी डी वैल्यू इसलिए की कि हमारा रुपये ओवर वैल्यू था। ओवर वैल्यू होने की वजह से हमें नुकसान क्या होता है, हमारा नुकसान होता है कि हमारे यहां इन्वेस्टर नहीं आता, उसको ये खतरा होता है कि पाकिस्तान में कभी भी डीवैल्यूएशन होगा। तो आज मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपकी करेंसी अंडर वैल्यू है। आज आपके मुल्क में फॉरेनर्स हंसी खुशी आएंगे, आज आपके यहां पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्टमेंट आएगी, हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगी और टूरिज्म में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के रडार पे है। हर आदमी की ख्वाहिश है पाकिस्तान आए। लास्ट ईयर पाकिस्तान में 9 लाख लोगों ने विजिट किया है। तो आप ये सोचें माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी ये इंडस्ट्री है, जिसको हमें भी, हमारी मेमन कम्युनिटी को भी देखना चाहिए, हमारी यूथ को भी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है और वर्ल्ड मेमन को भी इसको इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सर, आपने अभी मेंशन किया कि हमारे इकोनॉमिक नंबर्स बेहतर हो रहे हैं और लास्ट 3 मंथ से हमने नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखी, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट भी रिड्यूस हुआ है, इन्फ्लेशन नंबर्स भी नीचे आ रहे हैं। बट अगर हम जनरल इंडस्ट्रीज की बात करें तो सीमेंट हो गया, आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, स्टील हो गया, आपकी ऑटो इंडस्ट्री हो गई, वो वहाँ पर काफ़ी जो है डाउनफॉल देखा है, तो वहाँ पर आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस रिवाइवल स्टार्ट होगा और कलेक्टिविटी स्टार्ट होगी? देखें, पाकिस्तान में एक बात आपको सबको पता है, भेलचा। आप मुझे ये बताएं कि जितना बड़ा सीमेंट ने एक्सपेंशन किया है उसकी जरूरत थी नहीं थी? जितने बड़े हाउसिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट आए पूरे पाकिस्तान में, अगर आप उठा के हाउसिंग प्रोजेक्ट देखें जब से पाकिस्तान बना है, उसके 65 साल में जितने प्रोजेक्ट आए थे उससे डबल प्रोजेक्ट अगले 5 साल में लोगों ने स्टार्ट किए। ये प्लानिंग की मैं समझता हूं इस तरह की प्लानिंग होनी नहीं चाहिए। मोहसिन साहब माशाल्लाह आबाद को हेड करते हैं और मैं उनसे लास्ट मुलाकात हुई थी तो हमने यही बात की थी कि गवर्नमेंट को सबसे पहले परमिशन वगैरह इस तरह नहीं देनी चाहिए कि एक आदमी 40,000 एकड़ पे प्रोजेक्ट ला रहा है, दूसरा 29 पे ला रहा है, तीसरा 10,000 पे लाता है। तो सिर्फ आप ये सोचें पूरे कराची में इस वक्त
मैं ये समझता हूं कि 10 लाख से ज्यादा मकान नहीं है, ठीक है, लेकिन इस वक्त जो सुपर हाईवे पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो शायद इससे भी ज्यादा है। तो अगर इस तरह प्लानिंग में हम लोग गलतियां करेंगे और हम ये देख के कि ये डीएचए पूरा फेज एक से लेके फेज 8 सारे 8000 एकड़ है और उसको अभी 65 साल हो गए, अभी भी ओपन एरिया 35% है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो 1,20,000 एकड़ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ये अगले 5 साल 10 साल में हो जाएगी? ये पॉसिबल ही नहीं। ये प्लानिंग का भुगतान है, उसमें हमें इंटरवीन करना पड़ेगा और अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ क्राइसिस आ जाएगा। हर आदमी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लोग बेचारे लालच में पैसे लगा देते हैं, तो बाद में उनके पैसे की रिकवरी नहीं होती है। आज से 20-25 साल पहले मनी डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट आए थे, एसर टाउन के भी आए थे, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट तकमील नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि हमें अपने वर्ल्ड मेमन फोरम पे कम अज कम दूसरों को इन्फॉर्मेशन ना, कम से कम हम अपनी ब्रादरी के लिए इस टाइप की रिसर्च रिपोर्टें बनवाएं कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं क्या वाकई उसकी डिमांड है या नहीं है। अच्छा, उन्हीं प्रोजेक्ट को देख के सीमेंट ने अपना एक्सपेंशन कर लिया, उन्हीं प्रोजेक्ट के देख के स्टील ने अपना एक्सपेंशन कर दिया और पिछले साल हमें तकरीबन आधी प्रोडक्शन सबको कट करनी पड़ी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम प्लानिंग करें, ऐसी प्लानिंग करें कि हमारा नुकसान ना हो। अभी एक और बात बता रहा हूं कि हम जो क्राइसिस में गए थे और जो नुकसान हमारे इतने ज्यादा बढ़े थे उसकी वजूहत क्या है? वजूहत ये थी कि हमारे मुल्क में पावर शॉर्टेज का नारा लगता था। जब हम ये बात कर रहे थे कि पावर शॉर्टेज है, उस टाइम पे भी इंस्टॉल कैपेसिटी कम नहीं थी और आज इस वक्त मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 37,000 मेगावाट है और हमारी इस वक्त जो डिमांड है वो 18,000 है और पिक पे डिमांड हमारी 24,000 है। इसी की वजह से हमारे आपके पैसे और गवर्नमेंट के पैसे वो कैपेसिटी पेमेंट में चले जा रहे हैं और ये कम से कम इस साल 1,000 अरब रुपए हमने देने हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं, लोग हमारे लोग ये बातें क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते कि इन जगहों पे इनके अपने पैसे लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की बात करेंगे तो कहीं मसले मसाइल ना हो। लेकिन आप लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि स्टील मिल ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, PIA ने नुकसान पहुंचाया। देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे अच्छे भी चल रहे हैं, हमें उनका भी नाम लेना चाहिए। OGDC परफॉर्म कर रहा है, उसका साल का प्रॉफिट 100 अरब रुपए है, वो भी हमें बताना चाहिए। PPL है, उसका साल का प्रॉफिट, उसका भी 40 अरब रुपए है। स्टेट लाइन, वो भी बहुत परफॉर्म कर रहा है, उसका भी बहुत ह्यूज प्रॉफिट है। हमें सिर्फ बात ये करनी चाहिए कि मिस यूज जो भी गवर्नमेंट का पैसा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसका बर्डन एंड ऑफ द डे गरीब आदमी उठाता है। उसी की वजह से हमें फिर टाइटनिंग में जाना पड़ता है, उसी की वजह से हमें टैक्स रेट बढ़ाना पड़ता है, उसी की वजह से हमें इम्पोर्ट को महंगा करना पड़ता है, उसी की वजह से हमें डिवेल्यूएशन करना पड़ता है। तो हमें सबको एक ही काम करने की जरूरत है कि जब भी इस तरह के कोई प्रोजेक्ट आए जो हमारे नंबर्स के मुताबिक ना हो और जिसको हमें पता है कि ये बर्डन पाकिस्तान ने उठाना है, तो उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, हमारे मीडिया को भी बात करनी चाहिए। लेकिन मीडिया भी इस पे बात कभी भी नहीं करेगा, उनको क्योंकि मार्केटिंग कंपनी वाले के टेलीफोन आ जाते हैं। तो कोई एक फोरम हमें अपना बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारी रिसर्च हमें देने की जरूरत है कि भाई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई हमने तो सबने पढ़ी भी है। तो वो जब भी कोई चीज सप्लाई से बहुत ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई हो, फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर डिमांड नहीं हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो फिर उसका टेक केयर करने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में आप कौन से ऐसे सेक्टर्स समझते हैं जहाँ से जॉब क्रिएशन होगी या जहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और वहाँ पे हमारी यूथ को टारगेट करना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि आप लोग पाकिस्तान में तो खैर सीपेक के जो
ऑर्डिनेंस आ गया है, उस ऑर्डिनेंस के बाद मुझे उम्मीद है कि एक्टिविटीज पाकिस्तान सीपेक के सेकंड फेज में चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूँ क्योंकि जो इकोनॉमी का इलाज हो रहा था वो भी बेहतर डायरेक्शन में जा चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। आने वाली इम्यूनिटी पॉलिसी और इसके आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में आप लोग डेफिनेट इंटरेस्ट रेट को कम होता हुआ देखेंगे। जब हमारे इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होने का मैं इंडिकेटर आपको बता दूं कि PIB 10 साल का ऑलमोस्ट 15% पे 15 जुलाई को इसके रेट थे, ऑलमोस्ट 14.5 के करीब। आज पॉलिसी रोड उसके बाद 1% बढ़ा है, और आज आपका 10 साल का PIB 11.25% पे आ गया है। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि अब आपकी इकोनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा चुकी है, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे और आपके मुल्क में एक्टिविटीज होगी। लेकिन इस एक्टिविटीज में हमें फिर ख्याल करने की जरूरत होगी, क्योंकि इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो गवर्नमेंट कैपेसिटी पेमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट को, तो वो उनको लोड थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, फिर बाकी एक्टिविटीज में लोगों को रोजगार मिलेगी। तो पाकिस्तान, हम अपनी यूथ को ये पैगाम देंगे कि आप कोशिश करें, पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं फ्यूचर जिसका है वो टूरिज्म, लाइव स्टॉक, डेयरी, माइनिंग, जो हमने इग्नोर किया हुआ है, अगर इसको हम फोकस करेंगे तो ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। और ये जो क्राइसिस हम देख रहे हैं, अगर से निकलना भी है तो यही वो एरियाज हैं जहां से हम बाहर निकलेंगे। इसके साथ सोलर पावर, विंड पावर, लेकिन ये सर्टेनिटी नहीं है। बाकी चीजों की तो मैं समझता हूं अगर आप अगले 10, 20, 50 साल भी इस पे काम करेंगे तो ये पाकिस्तान का। यह मेंशन करना चाहूंगा कि जब भी हमारा WMO का कोई भी इवेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो वकील साहब के पास ही जाते हैं मोटिवेशन के लिए और आइडिया लेने के लिए किस तरीके से हमें अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, और हमेशा वो हमारा साथ देते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अभी हमें इनसाइट दी कि हमारे यूथ को क्या करना चाहिए, तो हम भी हमेशा गाइडेंस के लिए हमेशा वकील साहब के पास ही जाते हैं। सर, आखिरी कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारी यूथ को? मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि मैं अपने घर से बताऊंगा कि मेरी 4 बेटी है, सबसे बड़ी बेटी मेरा AKD सिक्योरिटीज को देखती है, उसके बाद नंबर 2 कंस्ट्रक्शन वगैरह हाउसिंग वगैरह को देखती है, नंबर 3 एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को देखती है, नंबर 4 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को देखती है। लेकिन मैं सिर्फ उनसे एक, तो बहुत सारे लोग हैं शायद वो ये समझते हैं कि नहीं बेटियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए, अब वो दौर नहीं, अब आपकी बेटियां हो या बेटे हो, मैं एक यकीन से कह सकता हूं कि जितनी जिम्मेदारी से बेटियां काम करती है बेटे नहीं करते। पैगाम यही है कि घर में बच्चों को पढ़ाने के बाद उसके बाद नजर रखने की जरूरत है बाद में, कि दूसरा एग्जाम होता है, बहुत सारे अच्छे नंबर लेके वो कहते हैं अब मेरे लिए तो फील्ड में कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वो एक नया एग्जाम होता है, उसकी ज्यादा तैयारी करें पहले की निस्बत, क्योंकि अब यहीं से आपने सब कुछ बनाना है। तो मैंने ये देखा है बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने तो बड़े अच्छे, मेरी तो GD बहुत ज्यादा है और मुझे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको ही देखते हैं वो प्रॉब्लम में ज्यादा आते हैं जो मुंह से ये कहते हैं कि मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ वापस आपकी पढ़ाई है और उसमें आपको अच्छे नंबर लेने हैं और वही आपको आगे लेके जाएगी। और जो सेक्टर मैंने आपको बताए मैं यकीन से कहता हूं अगर इन्हीं सेक्टरों पर आप फोकस करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्यूचर भी यही है। और साथ में एक और बात, मैं अपनी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान में अमीर आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा भी लेता है और प्रैक्टिकल लाइफ में सपोर्ट भी कर देता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत तकलीफदेह माहौल होता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है लेकिन उनके पास आइडियाज होते हैं, पैसे नहीं होते। तो हमें जरूरत है ऐसे फंड लाने की जो वेंचर फंड हो या प्राइवेट इक्विटी फंड हो या इसी टाइप के कोई फंड,
जिससे हम लोगों को सपोर्ट कर सके, उनके आइडियाज के साथ उनको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके और उनको हम पार्टनर बनाएं और वर्ल्ड बैंक से हम ये फंड शुरू करें। मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा, बाकी हमारी बिरादरी के जितने लोग हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं और इसको सपोर्ट करें ताकि जो लोग स्टूडेंट बेचारे अच्छे मेहनत करते हैं, अच्छे आइडियाज होते हैं, उनको इधर उधर ना भटकना पड़े और वो कुछ अचीव कर सके। थैंक यू सो मच अखिल साहब, आपने हमें इतना इंसाइट दिया और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में और इकोनॉमी के बारे में और आउटलुक के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच।